नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट फोर और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। प्रियंका गांधी समेत कई पार्टी नेता यात्रा में मौजूद है। अगले 3 दिनों तक यूपी में भारत जोड़ो यात्रा चलती रहेगी, तो आज से इसकी शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और अब उत्तर प्रदेश में इसका आगाज हो गया है। गाजियाबाद के बाद बागपत और शामली में ये यात्रा निकाली जाएगी। 6 जनवरी को यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी, लेकिन ये 3 दिन जो उत्तर प्रदेश में यात्रा रहने वाली है वो अपने आप में काफी खास मानी जा रही है। और चलिए, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो पर सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जाटलैंड से इसकी शुरुआत की गई है, क्या लगता है कितना साधने में कामयाब रहेगी भारत जोड़ो यात्रा इस जाटलैंड को? अब देखिए, आपने सवाल पूछा है कि जाटलैंड है और साथ ही साथ जाटोलैंड भी है, साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो अन्य बिरादरियां भी हैं, ठाकुर भी हैं, मुसलमानों की भी बड़ी संख्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो हमारे साथ दीपक सिंह हैं जो अमेठी से चलकर यहां आए हैं भारत जोड़ो यात्रा में, और उनके साथ पूर्वांचल से, बनारस से, जौनपुर से, कहां कहां से लोग यहां आए हुए हैं, सुल्तानपुर से, और हर समुदाय के इसमें लोग हैं। तो ये बताएंगे साहब, ये बताइए, सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत जोड़ने निकले राहुल गांधी कांग्रेस को यूपी में कितना जोड़ पाएंगे, मतदाताओं को कितना जोड़ पाएंगे और पार्टी को कितना खड़ा कर पाएंगे? देखिए वीरेश भाई, किसी चीज को आप कितनी बार गलत साबित कर सकते हैं, सही चीज को आप बार बार गलत साबित नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस इस हिंदुस्तान की जरूरत है, राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में दुष्प्रचार किया, अपना टारगेट सेट किया एक अमुक पार्टी के लिए कि ही लड़ाई चुनाव लड़ रही है, तो बार बार लोगों से गलतियां हुई, हम सबसे गलतियां हुई या उत्तर प्रदेश देश वालों से हुई, उसका खामियाजा हुआ कि हमारा देश कमजोर हुआ, उत्तर प्रदेश कमजोर हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी। और राहुल गांधी को बदनाम करने को, जो आपने प्रश्न पूछा ना, वो बार बार इतनी बार चीजें कही गई, उससे राहुल गांधी और कांग्रेस को बदनाम किया गया। आपने देखा होगा जिस तरह से लाखों लाख की संख्या में चलकर लोग आए थे, जगह नहीं थी चलने के लिए, तो वो इस बात को बताने आए थे कि कांग्रेस भी जुड़ेगी और देश भी जुड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ना चाहती है वो अब तोड़ने में सफल नहीं होगी, जितना करना था कर लिया। जोड़ने पे निकले हैं तो टूटा कहाँ है? कश्मीर से कन्याकुमारी का जो नक्शा है वही तो दिख रहा है हमें, तो टूटा कहीं दिखता नहीं है, तो जुड़ने का सवाल नहीं। अगर टूटने का बात अगर हम करें तो जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है पार्टी के तमाम कद्दावर नेता टूट गए। देखिए, ये गांधी, नेहरू, पटेल जैसे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ा हुआ देश है, इसे कोई छोटा सा आदमी तोड़ नहीं सकता। तोड़ने काम कहाँ किया, उनके पास संवैधानिक ताकत थी, उस संवैधानिक ताकत का दुरुपयोग किया, ये देश तोड़ना हुआ। इस देश के लाखों करोड़ों बेरोजगारों को बेरोजगार और किया, नौजवानों को सपने को तोड़ा, ये तोड़ना हुआ। हिंदू मुसलमान जो भाई भाई कहे जाते थे उनमें तोड़ने काम किया, भाई और भतीजों को अलग, ये सारा कुछ जो है 2014 और 2014 के बाद हुआ है। न यहाँ जातीय राजनीति थी, न धार्मिक राजनीति थी, न सामाजिक राजनीति थी, न महंगाई थी, न बेरोजगारी थी, ये आपका कहना है ना? नहीं, अगर आप देखें तो भाजपा किस मुद्दे पे आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई सिलेंडर की मार अब की बार मोदी सरकार, तो इतने मोदी सरकार के होर्डिंग लगे थे, कहाँ है होर्डिंग? अगर आज होर्डिंग रिपीट हो जाए तो राहुल गांधी देश की जनता से बताए निकले थे कि भाजपा ने आपका विश्वास भी तोड़ा था, तो तोड़ना ही तो हुआ। तो उस जमाने में भी मैंने देखा कि बड़े बड़े सिलेंडर लेके बड़े बड़े नेता भाजपा के लोग प्रदर्शन करते थे, जंतर मंतर से लेके हर जगह करते थे। तो मुझे तो लगता है कि इंदिरा जी ने भी गरीबी हटाओ महंगाई हटाओ के नारे पर चुनाव लड़ा था। तो इस देश में तो आजादी के बाद से गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन पार्टियां, नेता, उनके पेट मोटे हो गए और तंदुरुस्त हो गए, बड़े बड़े महल फार्म हाउस बन गए, बड़े बड़ी गाड़ियों पे चढ़ गए, गरीब तो जहाँ थे वहीं पे कब से पड़े हैं साहब। बहुत सही सवाल पूछा बिरेश भाई। जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ की बात की थी, हमारे देश में गेहूं नहीं पैदा होता था, हमारे यहाँ सिंचाई साधन नहीं थे, ट्यूबवेल नहीं थी, नहरें नहीं थी, हमारे देश के 80% लोग बड़े बड़े राज्य रजवाड़ों के यहाँ, सरकारों के यहाँ मांग खाना खाते थे। गरीबी हटी कि हमारा देश
अपने आप में आत्मनिर्भर हुआ अन्न में। जो सड़कें दिखाई पड़ती हैं, फ्लाईओवर दिखाई पड़ते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर दिखाई पड़ते हैं। राहुल जी और ये प्रियंका जी दिख रही हैं। प्रियंका जी ने कहा आज अपने भाई को लेकर, देखिए मुस्कुरा रही हैं, कह रही हैं कि अरे मेरा भाई तू बिका नहीं, तुझे कोई खरीद नहीं पाया, अंबानी और अडानी ने सबको खरीद लिया, मेरे भाई तुझको न खरीदा। तो आज ये जो गेस्ट अपीयरेंस में प्रियंका गांधी आती हैं और कभी कभी दिखती हैं, 22 के बाद वो यूपी की धरती पे झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखलाती नहीं है, तो कांग्रेस कहाँ आएगा भैया? वीरेश भाई, हमने उस दिन रात भर और कई बार एबीपी गंगा पर इंटरव्यू किया था एबीपी गंगा के साथ, जिस दिन प्रियंका गांधी रात के पीड़ित साथ मिलने जा रही थी और पुलिस नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार बेचैन थी, प्रियंका गांधी किसान के आना पहुंचे, तब भी प्रियंका गांधी सड़क पर थी। बहुत सही बात कहा आपने, बहुत सही बात कहा, दर्शकों को भी इस बात का इंतजार था और इस सवाल का भी और जवाब का भी। प्रियंका गांधी 22 से पहले जितना सक्रिय थी, क्या 24 से दो महीने पहले सक्रिय होंगी? नहीं, प्रियंका गांधी देखिए हर चीज का, आपने कहा इसे हमारी पार्टी को क्या किया, आपने अभी प्रियंका जी की बात कही, प्रियंका गांधी जी ने कहा हमारा भाई टिका रहा। देश में हम कभी सुनते थे पंचायती राज लागू होने के बाद लोग प्रधान बनाते थे अपना। तो सवाल है, प्रियंका जी जब से प्रभारी बनी पार्टी तो आपकी और घुसते चली गई। आपने देखा होगा कई सारे कालों में, राम और रावण के युद्ध में एक बार लगा राम हार जाएंगे, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण जी की मूर्छित होने के बाद भी राम अयोध्या जीत कर ही लौट कर आए थे। और तब से मैं देख रहा हूँ, जब से आप बोल रहे हैं ऐसे 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 सहमति असहमति का जवाब नेताजी दे रहे हैं। नेताजी कहाँ से आए आप? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, उसी गढ़ से आए हैं। तो ये जो यात्रा निकली इसका कोई फायदा होगा? अमेठी फिर इस बार बचेगा कि डूबेगा? अमेठी ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लहर है, क्रांति है, तेजी है, स्फूर्ति है। बिल्कुल सही है जी। आप जैसे ऐसे ऐसे दीपक भाई से मैं बात कर रहा था, आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि आपके पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जो हाँ भाई देवास जी आपके पास नेता, आप बताइए। ये भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में एक क्रांति ला रही है। हाँ। और इससे 2024 में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा का। हाँ। और युवाओं में इसका एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। तो आप ही हैं जी। तो युवाओं में एक बहुत जोर से चल के आए, गोंडा से? मैं गोंडा से चल के आया, मुझे गोंडा से चल के आए, ये सुल्तानपुर से चल के आए, अमेठी से चल के आए, भांति भांति की जगहों से लोग के चल के आए। तो युवा आपके साथ बहुत लोग दिख रहे हैं, युवाओं में असर पड़ेगा ये जो टी शर्ट चल रहा है? बिल्कुल असर पड़ेगा, 100% असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर है। युवा दाढ़ी का असर होगा कि टी शर्ट? नहीं, ये सब का असर है, ये राहुल जी का असर है, इस यात्रा का असर है, भारत जोड़ो का असर है। एक बात दर्शकों को मैं बता दूं कि आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, जब मैं यात्रा कर रहा था तो यात्रा के बीच में एक माँ, एक लड़का जो निकला तो वो शर्ट पे निकल गया था, तो उसकी माँ कह रही, अरे भाई कुछ पहन लो, ठंड लग जाएगी, राहुल गांधी जैसा न बनो, राहुल गांधी थोड़ी हो कि तुम इतना चल रहे हो जो अब। लेकिन अब उदाहरण भी लोग कहते ना कि एक जमाने में टाटा बिरला बनोगे, अब अंबानी अडानी और तमाम तरह के एक मुहावरे चलता है ना, अब लोग कह रहे हैं कि जब बेटा और बेटी कम कपड़े में घर से बाहर निकलते हैं तो माँ कहती है कि अरे ठंड लग जाएगी, राहुल गांधी न बनो, ये एक मुहावरा है। देखिए यही तो पॉजिटिव संदेश है एकदम वीरेश भाई, जैसे कोई फिल्म चलती है, फिल्म में हीरो पहले दबाया जाता है, उसे बदनाम किया जाता है, बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े उद्योगपति उसे टॉर्चर करते हैं, लेकिन जब हीरो निकल पड़ता है तो अंत में यही भीड़ दौड़ा के बिलेन को भगाती है और हीरो को कब्जा कराती है। तो राहुल गांधी आपके हिसाब से ही इस देश का हीरो बन गया है, उन तमाम नौजवानों का, उन तमाम महिलाओं का, उन तमाम किसानों का जो बिना कपड़े के खेत में खेती करता है, जो नौजवान बिना कपड़े के घर से निकल पड़ता है। तो आज नौजवान किसान, माँ बहने अपने आप में राहुल गांधी को देख रही और राहुल गांधी जुड़ा महसूस कर। और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा आज, दाढ़ी बनाए एक नेता राहुल गांधी के टू कॉपी हमें मिल गए, त्यागी जी। मैंने कहा यार त्यागी जी आप जब से चले हो राहुल जी के साथ आज तक चल रहे हो, दाढ़ी आपकी बढ़ गई? बोले क्रेज आ गया है साहब, क्रेज, वो दाढ़ी जो बिखरी हुई दाढ़ी है ना, वो क्रेज है। और मैं अपने नेता का एक तरीके से भक्त हूँ, अनुयायी हूँ और रोल मॉडल है मेरे, तो वो क्रेज जो है वो बिखरी हुई दाढ़ी मेरी बढ़ रही है करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए, इस बार भी निराश किया है। वो उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे निकल रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी और वो उनके नेता जो लगातार देश को तोड़ने की बात करते थे, देश को विध्वंसक शक्तियों के साथ हाथ मिलाने का काम करते थे,
टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात करते थे। वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का छद्म नाम देकर के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आम जनता उन्होंने बुरी तरह नकार दिया है, इसलिए उन्होंने हिम्मत ही नहीं की उत्तर प्रदेश से निकलने की, इसलिए वो केवल टच करते हुए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की आम जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उनकी सच्चाई को जिस ढंग से उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा है, परखा है, कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है कि उन्होंने हमेशा भारत को खंडित करने वालों का साथ देने का काम किया है। आप सोचिए, जब जम्मू कश्मीर को विलय को लेकर के चर्चा चली थी, हमारे अग्रज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो उस समय सोच दिखाई थी, छोटी-छोटी रियासतों को शामिल करके भारत माता का एक विशाल स्वरूप, विराट स्वरूप दुनिया के सामने रखा था, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो तय किया था कि इस देश के अंदर दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, उस परिकल्पना को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा किया है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अलगाववादी तत्वों के साथ खड़े होकर के काम किया है और भारत को विखंडनकारी शक्तियों को समर्थन देने का काम किया है। अभी जब आप देख रहे थे जेएनयू में जिस प्रकार की घटनाएं हुई, कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे तत्वों को समर्थन देती रही है और हमेशा इन लोगों ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, कोई भूला नहीं है 26 जून 1975 को जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू की गई थी, वो काला दिन भारतीय इतिहास में दर्ज रहेगा। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी, लोगों के नागरिक अधिकार समाप्त हो गए थे। आज वो लोग छद्म नाम लेकर के, मैं आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, गांधी मतलब था महात्मा गांधी, मतलब बापू, जिन्होंने दुनिया को मानवता का संदेश दिया, जिन्होंने अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, उनके छद्म नाम को लेकर के गुमराह करने का लगातार प्रयास करते हैं। मैं आप लोगों से लगातार इस सवाल को उठाता रहा हूं और आज स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की आम जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में आने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी और इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश में घुसते ही घुटने टेकने का काम किया। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से निकल करके वो बाहर जा रहे हैं, केवल सांकेतिक यात्रा है ये। बाकी जगह यात्रा इन्होंने निकाली, केरल में गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल सांकेतिक यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं और कोई उद्देश्य नहीं है। आप जानते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़ करके गए थे, अमेठी के लोग आज भी दुखी हैं। वो जानते हैं कि अमेठी के लोगों ने कई बार इन्हें संसद भेजा, अगर अमेठी के लोग इनके नाम के आगे मोहर नहीं लगाते तो देश की बड़ी पंचायत संसद में पहुंच नहीं सकते थे। उनको ठुकरा करके गए हैं और लोकतंत्र में जिसने जनता को ठोकर मारी है, जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी, ये हमारा इतिहास कहता है। आप जानते हैं कि भारत जोड़ो की बात करते हैं, अपने गठबंधन को, अपने सहयोगी दलों को भी इकट्ठा करने रखने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की जनता का शोषण किया है और बढ़ाने के नाम पर सिर्फ परिवार को बढ़ाने का काम किया है। क्या दूसरा कोई नेता ने, आज मैं फुटेज देख रहा था, भाई बहन दोनों हाथ उठाकर खड़े थे। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है, क्या उत्तर प्रदेश में नेताओं की कमी है? हमारे पास एक बड़ी फौज है जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करती है, रात दिन लगातार जनता देखती रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व के इतना अभाव है, केवल एक परिवार हाथ उठाकर खड़ा हुआ है। जिस ढंग से मैं कह सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, यह परिवार जोड़ो यात्रा है। परिवार को मजबूत करने के लिए, परिवार को एस्टेब्लिश करने के लिए, वो अपने आप को बेरोजगार महसूस करते हैं। उन्होंने माना था कि वो बड़े घर में राज परिवार में पैदा हुए हैं तो राजपाट चलता रहेगा, लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस दिन संविधान लिख दिया था, उस दिन तय हो गया था कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो बैलेट मशीन से पैदा होगा और आम जनता 25 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के जिसे चाहेंगे वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेगा, वही उनका काम करने का काम करेगा। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से आपातकाल लगाया था, आज तक राहुल गांधी और उनकी टीम के लोग आपातकाल की भर्सना नहीं कर पाए हैं, उनकी हिम्मत नहीं है। वो जब जब उनके हाथ में सत्ता रहेगी, देश के नागरिक अधिकार, प्रदेश के नागरिक अधिकार हमेशा तोड़े जाएंगे। क्या वो माफी मांगना चाहेंगे? वो बताएं अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे नीति नियंताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो नीति नियंता थे, जो सरकार चलाते थे, उन्होंने इमरजेंसी लगाकर के गलती की थी। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जो लोक कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। जितने भी 14 के बाद चुनाव हुए, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है।
दिन प्रतिदिन हमारे साथ लोगों का जुड़ाव बढ़ा है। आज मैं कह सकता हूं कि लोगों को पक्का मकान, निशुल्क पेयजल, जल जीवन, कोई सोच सकता था कि गरीब आदमी के घर में भी नल से जलाएगा, टोंटी से जलाएगा? हम लोग जब गांव में रहते थे तो बुआ के यहाँ जब जाते थे तो नल से टोंटी से जल आता था तो मुझे लगता कि अचंभा है, खूब नहा ले, खूब पानी पी ले। आज ये गांव गरीब गुरबा जो आदमी सोचता नहीं था, इसी बुंदेलखंड में अपनी आंखों से देखा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ड्रेन से पानी आया था, आप लोग भूले नहीं होंगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने जल जीवन मिशन लगा के शुद्ध पेयजल एक एक नागरिक को देने का काम किया, एक एक नागरिक को पक्का मकान देने का काम किया, और महात्मा गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता मिशन को आगे बढ़े। कौन सोच सकता था कि गरीब आदमी को शौचालय मिलेगा? अगर आप सोचो, हम सब हैं, दोपहर में अगर पेट खराब हो जाए माता बहन बहू बेटी बच्चे का, तो लोग शाम का इंतजार करते हैं, और शाम को जब गाड़ी के हेडलाइट सड़क के किनारे हमारी बहू बेटी पर पड़ती थी, किस मुसीबत में वो खड़ी होती थी। इस पीड़ा को या गरीब आदमी समझ सकता है या आप लोग समझ सकते हो? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते, इनके मुंह में तो चांदी का चम्मच है जब पैदा हुए। आप सब जानते हैं इनके जो पूर्वज हैं उनके बारे में कहा जाता है, लंदन पढ़ने गए थे तो उस विद्यालय के चारों गेट पर गाड़ी खड़ी रहती थी और कहा जाता था कि वो पैदा हुए तो मुंह में चांदी का चम्मच था। आप लोग जानते हो, ये आप लोगों ने पढ़ा है हाई स्कूल इंटर की किताबों में। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आजादी के पहले और आजादी के बाद लगातार हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता का खून चूसने का काम किया है। आज केवल गुमराह करके लोगों को जोड़ने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश जनता इन्हें नकार चुकी है। केवल औपचारिक यात्रा रह गई है। हम सब जानते हैं अभी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कमला हसन जी को एक इंटरव्यू दिया, आप लोगों ने देखा है? देखा है? उस इंटरव्यू की मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। वो चाहते हैं चाइना का आगे सरेंडर कर दिया जाए। उनके शासन, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जिस ढंग से चाइना का आगे सरेंडर करके भारत की भूभाग को देने का काम किया गया, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हम आंख में आंख डाल करके बात करेंगे, जो हमारी विरोधी ताकतें हैं, जो हमारे दुश्मन तत्व हैं, उनसे भारत की सेना पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। राहुल गांधी का बयान पूरी तरह से सेना के मनोबल को गिराने वाला है। जो कांग्रेस पार्टी अपनी मंशा साफ कर रही है कि हर स्थिति में हम भारत को कमजोर करने का काम करेंगे, भारत की सेना का मनोबल गिराने का काम करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि नारा दिया गया था 62 में, हिंदी चीनी भाई भाई, किस भाई की बात करते हैं जो हमारे सैनिकों की तरफ, भारत की सीमा की तरफ तिरछी नजर डालेगा, भारत की सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भाई भाई कहकर के केवल हिंदुस्तानी सेना का और हिंदुस्तान के लोगों का मनोबल गिराने का काम राहुल गांधी और उनके नेता कर रहे हैं। बहुत ही दुखद है, इसकी हम भर्त्सना कर रहे हैं। ये भारत के लोगों का मनोबल गिराने की घटना है। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हजारों करोड़ रुपए विदेशी चंदा मिलता है। मुझे पूरा शक है कि चाइना की कंपनियों ने जरूर इन्हें चंदा दिया होगा, इसीलिए ये चाइना की तरफदारी करके भारतीय सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से भारत की छवि, भारत की साख दुनिया के पैमाने पर बढ़ी है, भारत माता विश्व गुरु की ओर बढ़ रही है, G20 जैसे सम्मेलन भारत में सपना होते थे, आज उत्तर प्रदेश में तीन बड़े बड़े कार्यक्रम G20 के उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी वजह से दुनिया के पैमाने पर भारत की साख बढ़ी है। और साख बढ़ी ही नहीं है, हर स्थिति में आप देख रहे हैं कि भारत वो भारत नहीं रहा जो कांग्रेस पार्टी ने शोषण करके कंगाल बना के छोड़ दिया था। भ्रष्टाचारी एक देश की छवि बनकर के रह गई थी, लगातार घोटाले पर घोटाले हो जा रहे थे। आज हमको लगभग केंद्र की सरकार को लगभग 8 वर्ष से अधिक हो गया है और उत्तर प्रदेश सरकार को हमें लगभग 5 वर्ष 7 महीना होने जा रहा है। एक भी हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। शुचिता के साथ आम जनता को साथ लेकर के, कार्यकर्ताओं को शुचिता का पाठ पढ़ा करके, बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़े हैं। आज लोगों को पक्का मकान याद है, आज लोगों को पेयजल याद है, आज लोगों को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज याद है, आज लोगों को कोरोना काल याद है। आज चाइना में क्या हो रहा है, कोरोना के कारण हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, हम लोग बगैर मास्क के बैठे हुए हैं। ये देन है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देन है। चाइना का जो हाहाकार है, आज हम सब वैक्सीन लगा चुके हैं और ट्रिपल डोज ले चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात थी
कि जब जब दुनिया में महामारी आई है लोग महामारी से कम मरे, भुखमरी से मरे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के लोगों को निःशुल्क अनाज देने का काम किया और थोड़े बहुत लोगों को 80 करोड़ से अधिक लोगों को, और फिर उसको योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे ही प्रधानमंत्री जी को महसूस हुआ दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना का लहर आ रहा है, उन्होंने एक वर्ष के लिए योजना को बढ़ा दिया। ये महसूस होता कि आम आदमी, गरीब आदमी, उसकी अपनी सरकार है, उसके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी अपने नेता को टहलने के लिए भेजी, उनके पास कोई काम नहीं है। अगर वास्तव में भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करते होते तो आप सोचो जो उनकी यात्रा निकली है उस यात्रा में कौन कौन शामिल हुआ, क्या आप लोगों की नजर है क्या? मैं देख रहा था फुटेज, अफजल गुरु की फांसी का विरोध किसने किया था आप जानते हैं? ए एस दौलत रा के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था कि नहीं किया था? दिनेश जी आप बताइए। हम आप पत्रकार मित्रों से पूछना, आपको सवाल पूछना चाहिए कि वो लोग जो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को, हिंदुस्तान को विखंडित करने के लिए और जो अटैक करते हैं भारत माता पर, उनके समर्थन में जो लोग हैं उनको यात्रा में आप साथ रखोगे? हिंदुस्तान की जनता आपसे पूछना चाहती है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने हमारे डैम का विरोध किया, नर्मदा डैम का विरोध किया, वो आपकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। विकास को रोकने का आप काम कर रहे हो, डेवलपमेंट को रोकने का काम कर रहे हो। आज नर्मदा डैम बनने के बाद बड़ी संख्या में हजारों एकड़ लैंड सिंचित हुई है, लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। आप दिखाना क्या चाहते हैं देश की जनता को, प्रदेश की जनता को जवाब क्या देना चाहते हैं? मैं कह सकता हूं दावे के साथ कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फेल साबित हो चुकी है, फ्लॉप तो साबित है ये जो भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी और उनकी टीम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है और वामपंथी पूरी दुनिया से खत्म होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके दिमाग में घुसा हुआ है वामपंथ। मैं कह सकता हूं जिस ढंग से उनका पहनावा है, जो जिस ढंग से वो चाल चलन है, मैं कह सकता हूं कि वो भारत माता के प्रति कभी भी सौहार्द की भावना नहीं रख सकते। हम इन्हीं लफ्जों के साथ आप सबका आभार प्रकट करते हैं और आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करते हैं और उनका आभार भी प्रकट करते हैं कि आप सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लॉ एंड ऑर्डर, इसी प्रदेश में बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में रहती थी, गुंडे माफिया बदमाश लुच्चे, इसी लखनऊ में जब असेंबली चलती थी मेरे पत्रकार मित्रों एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके माफिया डॉन असेंबली में आते थे। आज वही माफिया डॉन तख्ती लटकाए घूम रहे के सब्जी बेच लेंगे लेकिन गुंडई और अराजकता नहीं करेंगे। पत्रकार मित्रों आपको सवाल पूछना चाहिए विपक्षी दलों से कि उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर को छिन्न भिन्न करने वाले लोग आज कहां हैं, या तो जेल में या प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। मैं जनता का, प्रदेश की आम जनता का आभार प्रकट करता हूं और आप सबका भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरी बातों को प्रदेश तक और देश तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तमाम सवाल उन्होंने साधे हैं। उनका कहना है कि उनके पास कोई काम नहीं है इसलिए यात्रा निकाली जा रही है, और यह भी उनका कहना है कि कोई अस्तित्व कांग्रेस का देश में नहीं रह गया है, उत्तर प्रदेश में अस्तित्व खत्म हो गया है और जनता ने इनसे किनारा कर दिया है और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में किनारे से ही निकलती जा रही है। कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होगा। राहुल की यात्रा यूपी को सिर्फ छूकर निकल रही है, यूपी से गुजरने की हिम्मत नहीं रह गई है राहुल गांधी की, और इसलिए जो किनारे के जिले हैं उनसे ही ये यात्रा होकर गुजर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।